हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट अ मैग्नीफाइंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 100 mm. एन ऑब्जेक्ट हुज साइज इज 16 mm इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस सो दैट एन इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. पार्ट ए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस. पार्ट बी, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ द इमेज इज टू फॉर्म एट इन्फिनिटी. तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि अगर हमारे पास एक मैग्नीफाइंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास 100 mm है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 16 mm है, उसे हम कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं लेंस से ताकि हमारी जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पर बने लेंस के फ्रंट पर. तो पार्ट ए में बताना है कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस से वो क्या होगा, और पार्ट बी में बताना है कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए ताकि हमारी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बने. तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस. अब जैसा कि बच्चों यहाँ पर हमें गिवन है कि हमारे पास फोकल लेंथ जिसे कि हम एफ से डिनोट करते हैं वो हमें गिवन है 100 mm. 100 mm. और यहाँ पर हमें जो साइज गिवन है, बेसिकली साइज ऑब्जेक्ट साइज को बच्चों यहाँ पर हम एच से डिनोट करते हैं, तो एच हमें गिवन है 16 mm. 16 mm यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हाइट है. और यहाँ पर हमें गिवन है कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ पर बनती है, 25 सेंटीमीटर पर. 25 सेंटीमीटर पर, तो वी से हम डिनोट करते हैं इमेज को, इमेज डिस्टेंस को, तो ये है हमारी 25 सेंटीमीटर. और बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास है कहाँ पर इमेज बनाता है, फ्रंट पर लेंस के. अगर बच्चों को इमेज लेंस के फ्रंट पर बनती है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है. और हम जानते हैं कि जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगी लेंस के, या फिर हम कहीं फ्रंट पर बनेगी लेंस के, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा माइनस साइन. तो इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर -250 mm, इसे हम mm में चेंज कर लेते हैं. तो ये सेंटीमीटर से हमारे पास एमएम में आ गई है बच्चों यहाँ पर. अब हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है ये. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/u जो होगा, बेसिकली अगर हम वैल्यूज रख दें सभी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 1/-250 - 250 - 1/, यहाँ पर हमारा बच्चों यू क्या है हमें कैलकुलेट करना है और एफ क्या है 100. तो यहाँ से हमारा यू जो आएगा, बेसिकली 1/u वो आ जाता है बच्चों -7/500, या फिर हम कहें कि जो हमारा यू आता है बच्चों वो आता है -71.4 mm. अब बच्चों इसे हम यहाँ पर कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 7 - 7.14 सेंटीमीटर. हम इसे इस तरह से सेंटीमीटर में लिख देते हैं. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा आया है बच्चों यहाँ पर -7.14 सेंटीमीटर. ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. अब बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पर यू जो है, बेसिकली ये माइनस में आया है, तो माइनस साइन बच्चों यहाँ पर ये शो करता है कि जो हमारी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड पर है, या फिर हम कहें फ्रंट पर है कॉन्वेक्स लेंस के. तो बेसिकली माइनस साइन यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट की कि वो कहाँ पर रखा है. तो यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया है. अब बच्चों पार्ट बी में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ये हमारा पार्ट ए है बेसिकली. अब पार्ट बी में हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर हमें कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना चाहिए ताकि हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बने. तो बच्चों हम जानते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है. तो इसका आंसर होगा हमारा फोकस. अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी. सो इसका आंसर होगा हमारा फोकस, ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.